यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जहां एक ओर पुलिस को सुरक्षा के लिए जाना जाता है, वहीं बिजनौर में पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। जहां पर बिजनौर नगर पालिका की अध्यक्ष रुखसाना के पति सपा नेता शमशाद अंसारी के साथ दरोगा विजय कुमार ने बदसलूकी की है। इतना ही नहीं, दरोगा जी जोश में आपा खो बैठे और चेयरमैन पति को हवालात में बंद करने चल दिए। ये सारा वाक्या वहां मौजूद किसी मीडिया कर्मी ने कैमरे में कैद करना चाहा तो दरोगा ने कैमरे पर हाथ मार दिया, जिसे लेकर थाने में जमकर हंगामा हुआ। आक्रोशित लोगों की भीड़ एसपी सिटी के निवास पर पहुंची और दरोगा को सस्पेंड करने की मांग की है। जी आप करें चौकी पर दोपहर से ही इन्होंने मुझे मतलब टला रखा था एक तरीके से। और एक पीड़ित के लिए मैं थाने गया था, थाने नहीं मैं चौकी गया था, चौकी से मेरे साथ ये थाने आए। थाने से इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उन्हें छुड़ा दूंगा और पीड़ित पक्ष से इन्होंने पैसे लिए थे 10,000 रुपये इन्होंने लिए थे पीड़ित पक्ष से। मैं उसका गवाह हूँ। मैंने सामने चलो, मैंने भी सोचा रमजान चल रहा है भाई, उसकी बच्चे की खराब ना हो, मासूम बच्चा है, बिना बाप का बच्चा था वो। उसके बाद इन्होंने जीडी में छुड़ा दिया उसको। जीडी में छुड़ाने के बाद उसको जेल भेजने की तैयारी उन्होंने पूरी कर ली। तो मुझे कोतवाल साहब ने कहा कि चेयरमैन साहब ये नहीं छूट सकता, ये जीडी में छट चुका है, जाना नहीं छोड़ूंगा। ये चाहते ये हैं कि मैं थाना जाना छोड़ दूँ, मैं किसी पीड़ित मजलूम के साथ ना जाऊँ। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल नहीं डरने वाला हूँ। एसपीसी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है, मेरी बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे हौसला बढ़ाया है। तत्काल उसे चौकी से हटा दिया गया है और शाम को कप्तान साहब का मोबाइल अभी नोटिस से बुला रहा है, बात करके उसको लाइन हाजिर किया जाएगा।